बिटी मतलब आप सबका विनारायण का आर्यन yes. उसको लेने जा रहे हैं यार अभी हम लोग स्कूल और आज धूप कच्ची पक्की निकली है ना हाँ. जैसे कल एकदम कड़ाके की थी और yes. हमने कल भेजा नहीं कि ठंड होगी क्योंकि परसों जो थी धूप आई नहीं थी ढंग से फिर हमने कल भेजा नहीं कि ठंड बहुत ज्यादा है तो कल आई धूप जबरदस्त वाली तो हमने कहा भेजेंगे धूप निकल हाँ और आज समझे आज धूप ही नहीं आई कच्ची पक्की धूप है आज हवा तेज चल रही है हवा लग रही है एक्चुअली बाकी हम आर्यन को अब लेने जा रहे हैं और देखते हैं आज उसका दिन कैसा निकला क्या रहा और... दिन तो खैर अच्छा ही निकलेगा बच्चे का दिन बच्चों के साथ बच्चों का आपस में बट लेकिन जो लास्ट का वो है ना चार पीरियड जो सेकंड हाफ है बच्चों का वो पता नहीं कैसा गया होगा क्योंकि आर्यन ने पार्टिसिपेट नहीं कर रखा एनुअल फंक्शन में तो पता नहीं आर्यन का वो उस टाइम का कैसा गया हाँ, क्योंकि लास्ट के फोर पीरियड ना प्रैक्टिस होनी ने एनुअल डे की तो आर्यन ने पार्टिसिपेट नहीं करा पता नहीं उसने बैठ के क्या किया होगा हो, 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 वैसे वो खाने पीने का सामान ले गया था कह रहा मैं तो मजे से पार्टी करूंगा मगर कल्ला कह रहा कोई एक आधा बच्चा तो होगा जिसने और ने भी किसी और ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा होगा तो कह रहा मैं फिर उनके साथ पार्टी कर लूंगा मैंने कहा ठीक है भाई ले जा जो तेरे को ले जाना है तो अभी देखते हैं कैसा रहा होगा उसके लास्ट के फोर पीरियड्स अच्छा ही रहे होंगे बच्चों बच्चे यार आपस में नेहा हमेशा एंजॉय करते हैं ये बात तो है ठीक है ना और स्पेशली आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे हमारे टाइम की तरह नहीं जिसमें हमारी हवाई टाइट रहती थी कि स्कूल जा रहे हैं ये होगा वो होगा पढ़ाई नहीं करी तो पिटाई होगी हम लोगों में थोड़ी बहुत दहशत रहती थी जो मेरे से एग्री करेगा ना वो बताए कि ऐसा रहता था कि नहीं रहता था क्योंकि हमारे टाइम में थोड़ी दहशत रहती थी आज ये वाले सर या वो वाले सर हमारे स्कूल में एक मैथ्स के सर होते थे मार्टिन सर उनकी दहशत सबको ही रहती थी आज वो ना आ जाए क्लास के अंदर रेंडमली भी वो किसी क्लास में ना जाए मैथ्स के इतने स्ट्रिक्ट थे तो ऐसे ही होता था और आजकल के बच्चों को पैम्पर करके रखा जाता है उन्होंने जी फ्लैग्स लगा रखे हाँ वो हर अपार्टमेंट में लगेंगे खाली हमारे में नहीं हर किसी में लगेंगे दिखाओ देखो फ्रेंड्स ये देखो इन्होंने फ्लैग्स लगा लिए राम जी के जो 25th और 22nd जनवरी को होना है ये देखो पूरे बाहर भी मेन वॉल पे भी लगा दिए इन्होंने फ्लैग्स ये देखो अच्छा लग रहा है सब सोसाइटीज में लग जाएगा ना वरना लाइन में वो भी तो अच्छा लगेगा अभी जो गुड़गांव वाली साइबर सिटी वाली जो रोड है ना उसके ऊपर मेन रोड पे हाईवे के ऊपर बीच में सब जगह पे फ्लैग्स लगा दिए ओके मैंने चार पांच दिन पहले मेरा कोई फ्रेंड गया था तो उसने मेरे को वीडियो बना के भेज दी इन्होंने फ्लावर्स भी डेकोरेशन कर ली मतलब लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे 22nd को आने में तो लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो ऐसी होती है स्टार्ट तो प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ती है
एक गलती हो गई यार. क्या? वो बैंक का चेक उठाना था वो भूल गए SBI का. ओहो चलो कल उठा लेंगे, कल जाना है हमने. कल सुबह ही डाल देंगे पहले ताकि फर्स्ट क्लियरिंग में डल जाए. ओके तो फ्रेंड्स अब हम पहले RN को पिक कर लेते हैं फिर आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं. 10 minutes later. तो फ्रेंड्स कौन आया? आप सबका बनारन का RN आ चुका है. ये कैसा रहा डे? बहुत अच्छा डे. मस्ती की? यस. फ्रेंड्स मिले? यस. चलो बढ़िया. और लंच फिनिश किया? यस. पूरा? यस. झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं. चेक कर लूंगी मैं. कर लेना. ठीक है. क्या खाया लंच में? आलू गोभी और पूरी. पूरी खाई? पूरी अरब बनी है. शलगम आया? आया क्या होता है शलगम? शलगम तो खाने होते हैं, खाने होते हैं, हेल्दी होते हैं, सर्दियों में तो आते हैं. अच्छा क्या नहीं लगता? अच्छा तो तेरे को कुछ भी नहीं लगता फिर तो. आप कह रहे तो हर चीज में यही बोलने लग गया आ रहे हैं. तो ऐसा तो ना था, खाने तो वही पड़ेंगे. अब खा लूंगा पर पहले आया है क्यों किया? जब खा लूंगा तो एकदम से शलगम का नाम सुनाना. सब कुछ खाना होता है और जो चीज मना करेगा वो चीज तो जरूर खानी. ये जो चीज मना करोगे वो चीज तो जरूर खानी पड़ेगी. तो बेटर के बिना मना करे हाय हाय किए बिना खा लो. गाइस देखो मेरा स्केलेटन. तेरा स्केलेटन नहीं, तूने बनाया जो मैंने बनाया. वेरी गुड. ये स्कूल में दिया था और वापस दे दिया मैम ने. ओके. और एक ये भी था वाटर वाला वाटर साइकिल. ओके. बट इसकी आधे से ज्यादा फूड आइटम्स निकल गए. कोई बात नहीं, वो इतने टाइम रख के निकल जाते हैं ना. आर्यन मस्ती करी बहुत ज्यादा मस्ती. चलो अब घर चलते हैं. फिर देखो सिर्फ स्कूल लेने आए हैं. सिर्फ स्कूल लेने तब भी जाम मिल गया हमें. वो तो इसलिए मिला ना डेट वो स्कूल का था ना. स्कूल के सारे पेरेंट्स वगैरह भी निकले होंगे. भाई ये बहुत लंबा जाम है. जब हम आ रहे थे ना तो ये जाम दिख रहा था हमें. तो हम सोच रहे थे कि फंसेंगे जरूर. ये देखो बस इतना ही चले. जाम जाम वो जाम 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 ये सारा आगे फंस गए हम लोग. अटरिया पे लोटन का बूतर रे टनना जाम लगा रे टनना. फ्रेंड्स देखो विशाल को जाम देख के क्या हो गया. जाम पे इसलिए देख के हो रहा है कि रंग दे बसंती लेकर आए हैं. रंग दे बसंती में अब जाम लगता है ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता. मुसीबत लगती है. पहले नहीं लगती थी अब लगती है. आदत पड़ गई ना ऑटोमेटिक की इसीलिए. 1.5 साल हो गए ऑटोमेटिक चलाते हुए तो अब अच्छा नहीं लगता जब जाम मिलता है. जब ऑटोमेटिक नई नई आई थी तब भी डांट को इतना नहीं लगता था जब नई नई आई थी ऑटोमेटिक. बट उसके बाद थोड़ा बहुत डांट को लगने लग गया जब ऑटोमेटिक की आदत हो गई. नहीं पता क्या महीने डेढ़ महीने के बाद ना लगने लग जाता है. अरेंज अगर आप रेगुलर चला रहे हो तो रेगुलर चला के तो फिर लगा ही है. क्योंकि अब तो खैर काफी लंबा टाइम हो गया और तू स्कूल भी इतने दिनों से नहीं जा पा रहा था. तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो अब हैबिट उसकी पड़ गई है एक्चुअली तो. और एक बार गाइस क्या हुआ था जब डैड को आदत नहीं थी ना ऑटोमेटिक की तो डैड पहले मैनुअल चलाते थे ये वाली रंग दे बसंती. तो मोगली में डैड ना गियर चेंज करने लगे थे. मैं कह रहा ये क्या कर रहे हो ऑटोमेटिक में गियर चेंज क्यों कर रहे हो? डैड याद है आपको बोला तो डैड गियर चेंज करने लग गए थे. हाँ वो हो जाता था बेटा क्योंकि हैबिट नहीं है ना. देखो यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि का मंदिर. ये देखो गाइस कैसे डेकोरेट किया है मंदिर. कितना सुंदर लग रहा है यार. सबने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है. और ये हमारा आज यूजुअल जाम दिखाई रहे हैं हम आपको. जाम 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 जाम. तो हम ये जाम से निकलते हैं फिर आपको मिलते हैं फ्रेंड्स. 10 minutes later. बन चुकी है आर्यन को दे दिया परोस दिया हमने. आर्यन बताएगा लल्लू बनाया बड़ा मजा आया. उल्लू बनाया बड़ा मजा आया. अब फटाफट गरम गरम खा के बता कैसी है. खाओ तो सही. बिल्कुल पंजाबी कड़ी बनाई है मैंने.
चम्मच तो लिया नहीं चावल का, साथ में खाली वो ही खाएगा तो टेस्ट कहाँ से आएगा। आलू है, मैंने गरम मसाला डाला है मम्मी, ये थोड़ा सा बिल्कुल फीकी बनाई। कैसी है? नंबर वन। उधर मत देख, सच सच बोल, जो सच है वो बोल। बहुत अच्छी है। सबसे बढ़िया लगी? मेरे को तो अच्छी लगी, मैंने खा के देखी। मैंने भी खाई थी, मेरे को भी बहुत शानदार लगी थी। बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है। क्या गरम गरम भाव पे आ रही है। नया तेरे को कैसी लगी, इधर आके बता, जेन्युइन बताइयो। तूने टेस्ट करी, तूने टेस्ट करी नेहा, तेरे को कैसी लगी, सच सच बताइयो। सच में बहुत टेस्टी लगी, मैंने एक ही चम्मच खाया है, अभी मैं खाऊंगी, बट एक चम्मच में भी ऐसा मजा आ गया, मन कर रहा है मैं ही बैठ जाऊं पहले खाने, बाद में सबको दूं। कोई नहीं, मम्मी को रोटी बना दे, फिर आराम से खाइयो, और पापड़ दे दे हमें बस। बस पापड़ तवा गरम हो रहा। तो फ्रेंड्स देखो नेहा खा रही है। नेहा कैसा लगा तू बता, सच्ची सच्ची। मस्त मस्त। सही लगा? नमक जाएंगे प्रॉन्टी के साथ खाएंगे, हमें तो बहुत ही अम्मी लगी। बड़ी है, मस्त मस्त लगती।